हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका टेक्निकल संदीप गुरु चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे GDS ग्रामीण बैंक सेवा विभाग की, जिसकी रिजल्ट और 6 सर्किलों का आ चुका है, 6 सर्किलों का। तो आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं, तो सिंपली गूगल में जाके अपना चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम गूगल में दिखाते हैं कैसे चेक करते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आपको सिंपली गूगल में आ जाना है, गूगल में सर्च करना है आपको GDS यानी ग्रामीण डाक सेवा, ठीक है दोस्तों। इसको आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। ऐसा इंटरफेस आने के बाद आपको पहला लिंक जो दे रहा है इंडिया पोस्ट, इंडिया पोस्ट को ही आपको क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने इंडिया पोस्ट ऑफिस का GDS ऑनलाइन का जो इंटरफेस है वो आपके सामने कुछ पोस्ट ऑफिस का ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद आपको इसमें देखना दोस्तों, ये डिस्प्ले पे दिखा रहा है कि कौन कौन से राज्य का रिजल्ट घोषित हो चुका है। पहले तो हम पिछले वीडियो में बता चुके थे कि असम और उत्तराखंड का रिजल्ट घोषित हो गया था, उसका हम आपको PDF फाइल और सारा चीज़ दिखाए थे, ठीक है दोस्तों। तो अभी 6 सर्किल का यानी 6 राज्यों का और रिजल्ट आ चुका है, जो आप यहाँ से देख सकते हैं। और जिनका भी आया होगा, जिस भी सर्किल से आते होंगे दोस्त भाई बहन, वो लोग अपना देख सकते हैं। तो इसको देखने के लिए सिंपली हमको क्या करना है, ये शॉर्टलिस्ट जो है, शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट, इसको आपको क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। शॉर्टलिस्ट को क्लिक करेंगे तो आपको सामने दिख जाएगा कितने राज्यों का निकला हुआ है। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं सिंपली असम जो पहले ही आ चुका था उसको ऊपर रखा है, दूसरे में आपका छत्तीसगढ़ का आया है, हरियाणा का आया है, हिमाचल प्रदेश का, नॉर्थ ईस्टर्न का, उड़ीसा का, पंजाब का और उत्तराखंड का। दोस्तों दो सर्किल का असम और उत्तराखंड का पहले ही आ चुका था, तो ऊपर और नीचे इसको दिया है। बाकी जो बीच में दिख रहा है आपको अभी नए नए आज यानी 17/6/2022 को रिजल्ट घोषित हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो जो भी कैंडिडेट यानी भाई बहन जिस भी सर्किल से हैं वो अपना रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं, तो दोस्तों हम सिंपली एक छत्तीसगढ़ का क्लिक करके दिखाते हैं कि छत्तीसगढ़ को क्लिक करेंगे तो एक PDF फाइल डाउनलोड होकर आ जाएगा आपके साथ। तो दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ सर्किल को PDF फाइल को डाउनलोड किया है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ आपका पूरा सिस्टम दिखा रहा है कि कहाँ पे किसका क्या क्या है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ आपका सीरियल नंबर शो कर रहा है, डिवीज़न शो कर रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर शो कर रहा है, पिछले वीडियो में बताया था कैंडिडेट का नाम शो कर रहा है, जेंडर शो कर रहा है, कम्युनिटी शो कर रहा है और आपका वेरिफिकेशन करने का एड्रेस शो कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका छत्तीसगढ़ का है, तो छत्तीसगढ़ का आप जो भी कैंडिडेट होंगे अपना रिजल्ट को देख सकते हैं। यहाँ पे आप PDF फाइल ऐसे डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद अपना चेक कर सकते हैं। ये पूरा PDF फाइल दिखा रहा है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको दूसरे राज्य का हम दिखाते हैं, हरियाणा का है। इसी तरह आप हरियाणा का भी चेक कर सकते हैं, हिमाचल प्रदेश का भी चेक कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न का भी चेक कर सकते हैं, उड़ीसा का भी चेक कर सकते हैं, पंजाब का भी चेक कर सकते हैं। चलिए हम पंजाब का एक बार दिखाते हैं आपको। पंजाब का PDF फाइल डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। ऐसा इंटरफेस आने के बाद आपको इसमें आपको वही चीज़ फिर से दिया है, सीरियल नंबर, डिवीज़न, रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है दोस्तों। तो जो भी अपना है, आप PDF फाइल जब डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है सर्च करने का, तो उसमें अपना नाम सर्च करके देख सकते हैं कि आपका नाम आया है कि नहीं आया है, ठीक है दोस्तों। तो बस 6 सर्किल का रिजल्ट घोषित हो चुका है, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न, उड़ीसा, पंजाब, उत्तराखंड, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है जो भी कैंडिडेट या जो भी भाई बहन जिस भी सर्किल से हैं और जिनका रिजल्ट आ गया वो इस सर्किल से हैं, तो अपना रिजल्ट चेक कर ले। और अगर उनका आ गया हो नाम तो उनके लिए बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अपना सारा डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल जो भी हैं, जाति, आय, निवास, पैन कार्ड, आधार कार्ड, 10वीं, सारा एजुकेशन का सर्टिफिकेट आप लेके अपने बताए गए वेरिफिकेशन एड्रेस पे पहुंच के अपना वेरिफिकेशन करवाए, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।